गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप कि आप मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कॉपर ट्रेड का ओपन ऑफिस और पावर पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को ये पीपीटी शेयर कर दी थी और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको पूरा लिख लिया होगा और हम लोग अब इसको वन बाय वन करके समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि वेट मिनट, इसको मैं हटा दूं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओपन ऑफिस क्या होता है। बहुत ही सरल भाषा में ये पीपीटी मैंने तैयार करी है, तो आप लोग इसको वन बाय वन करके पढ़कर भी आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है, ओपन ऑफिस का फुल फॉर्म भी कभी कभी डबल ओ करके दे देता है और पूछ देता है कि डबल ओ का मतलब क्या है। तो डबल ओ का मतलब होता है ओपन ऑफिस। ये बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह होता है। मैंने आप लोगों को एमएस ऑफिस पढ़ा दिया है। और एक यहाँ पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम ध्यान देंगे, फिर से यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दो तरह के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। बट वॉट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है कि जिसके बिना कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके डिफरेंस मैं कई बार आपको क्लास में बता चुका हूँ। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स प्रोडक्टिविटी सूट है। इसका मतलब ये होता है कि ये ओपन सोर्स और लाइसेंस, ये दो तरीके होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाने के। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका कोड आपका अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई भी इसको डाउनलोड करके उसमें सुधार कर सकता है बस। बट लाइसेंस जो होता है वो कोई कंपनी उसको ओन करती है और वो उसका मालिक होता है और वही उसके कोड में या उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकता है। जैसे आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसके जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंडर में आती है। तो ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सब कुछ सेम है, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो उसमें मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया है, एमएस एक्सेल पढ़ाया है और पावर पॉइंट में अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, और एमएस एक्सेस है। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो एमएस ऑफिस के जो मॉड्यूल हैं, जो राइटर है यहाँ पे, ये जो राइटर है वो एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों के लिए होता है। मतलब एमएस वर्ड जो काम करता है वही काम यहाँ पे राइटर का है। कैल्क जो काम एक्सेल करता है, वही काम यहाँ पे कैल्क करता है। इम्प्रेस जो यहाँ पे पीपीटी तैयार करते हैं हम लोग, वो वहां पर हम लोग इम्प्रेस के जरिए यूज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मतलब एमएस एक्सेस का प्रयोग हम लोग करते हैं डेटाबेस मैनेज करने के लिए, यहाँ पर बेस के द्वारा किया जाता है। और ग्राफिक्स, जैसे हम लोग एमएस पेंट, मैंने आपको पढ़ाया एमएस पेंट, वही काम यहाँ पे ड्रॉ करता है। और मैथ्स यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि हमारा जो यूजर फ्रेंडली होता है वही ज्यादा यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी मॉड्यूल हैं वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं, इसलिए वो ज्यादातर यूज होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसमें इस पेज पे आपको डबल ओ समझना है ओपन ऑफिस। यहाँ पे ODF इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे हमने आपको बताया है कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक DOC, PDF का एक्सटेंशन .PDF, ठीक है। और इसी तरह एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है .XLS। इसी तरह यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन का मतलब होता है कि ये ओपन है, जैसे यहाँ पे मतलब ओपन सोर्स, मतलब ये फ्री है, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन इन्होंने रखा हुआ है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि OO, मतलब ओपन ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन, दैट इज ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है डायरेक्ट, ODF का फुल फॉर्म क्या है। तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ओपन ऑफिस का मैंने ज्यादातर कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पावर पॉइंट। आप देख रहे होंगे कि आपके निजी जो लाइफ है, आसपास कभी देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि पीपीटी बनानी है हमें, पीपीटी तैयार करनी है। ये पीपीटी क्या होता है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जी, सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत होती है कि ये एमएस पावर पॉइंट है, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं।
हम एक एक चीज पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद जो भी उसमें डिफिकल्टीज आएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया स्लाइड, व्हाट इज स्लाइड, स्लाइड क्या होता है, मैं अभी आगे चल के इसको बताऊंगा कि स्लाइड किसे कहते हैं। कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो आवाज के साथ, मतलब ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम इसमें स्लाइड के माध्यम से इसमें इमेज, इसमें वीडियो, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और अन्य भी हम लोग इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली इसका काम होता है, मेनली जो इसका काम होता है वो रिप्रेजेंटेशन का होता है। जैसे यहाँ पे देखा होगा कई कंपनियों में या मेडिकल विभाग में, शिक्षा विभाग में जो बॉस लोग होते हैं वो पीपीटी पे एक्सप्लेन करते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखो इस लिखा हुआ है, इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। जैसे मैं आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज, अभी ये मैंने पीपीटी बनाई है उसी को, जैसे यहाँ पे आप ये जो पूरा यहाँ पे यहाँ से लेके आप ये जो पूरा जो ये देख रहे हैं ये एक्चुअली एक स्लाइड है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लाइड। तो मैंने ये यहाँ पे टोटल, अभी हम कौन से स्लाइड में देखिए, तीसरे स्लाइड पे है, यहाँ पे दिख रहा है ये तीसरा पेज है। दूसरे पेज पे क्या था, ये ओपन ऑफिस, फर्स्ट क्या था, ये। तो ये स्लाइड्स हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं इन स्लाइड्स को मिलके ही हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है व्हाट इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नीचे एमएस पावर पॉइंट 2010 की विंडो, अच्छा यहाँ पे 2010 जो है ये वर्जन है, मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। जैसे अभी आपका 2020 चल रहा है तो इस समय जो हम लोग यूज कर रहे हैं 2016 कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास 2016 अवेलेबल है, बहुत कम लोगों के पास, क्योंकि अब देखिए ये 2016 उसके पहले आया था 2013 उसके पहले 2010, तो ये जैसे जैसे वर्जन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी जैसे 2016 का जो प्राइस है मार्केट में आपको 8000 से 10000 के रुपए में मिलता है लाइसेंस वर्जन। कई लोग इसका पायरेटेड वर्जन भी यूज करते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अच्छा अगला जो स्लाइड है यहाँ पर देखें, ये इसका व्यू आता है। यहाँ पे मैं कई बार आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सबसे ऊपरी भाग ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। अभी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पे लाइव आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है और कैसे उसमें हम लोग स्लाइड को ऐड करते हैं और इफेक्ट कैसे उसमें लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर जो यहाँ पे टाइटल बार लिखा होता है उसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग टैब, ये जो है टैब, ठीक। और ये जो पूरा एरिया होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ये रिबन, ये मैं आपको क्लास में कई बार बता चुका हूँ। और ये जो साइड का जो ये व्यू होता है इसको बोलते हैं स्लाइड टैब, ठीक। यहाँ पे हम लोग टाइटल ऐड करने के लिए ये बॉक्स होता है और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, नीचे वाले एरिया को बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को पता है ये होता है स्टेटस बार, इधर होता है व्यू कंट्रोल बार। अच्छा व्यू कंट्रोल बार के बगल में जो होता है हमारा जूम स्लाइडर होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था जूम स्लाइडर से, मुझे याद आ गया, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जूम को कितने परसेंट तक हम लोग जूम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर रहता है 400%। याद रखिएगा 400% तक हम लोग जूम कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। पावर पॉइंट कैसे खोले, अच्छा दो तरीके होते हैं, ये मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूँ और एमएस एक्सेल में भी बता चुका हूँ और बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं रन कमांड पे। मैं इसी से हमेशा ओपन करता हूँ, कोई भी वर्जन रहता है उसमें अगर हमें रन कमांड याद है तो हमें क्वेश्चन भी याद करते हैं। जैसे कहा जाता है कि मैंने वर्ड का जो रन कमांड आपको बताया था वो क्या होता है विन वर्ड, विन वर्ड होता है एमएस वर्ड का रन कमांड, और एक्सेल का क्या होता है ओनली एक्सेल, ई एक्स सी ई एल। इसी तरह पावर पॉइंट का जो हमारा रन कमांड होगा वो होगा पावर पी एन टी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू आर रन कमांड खोला और यहाँ पे लिखा मैंने पावर पी ओ डब्ल्यू आर पावर पी एन टी, स्पेलिंग से लिखना है पी एन टी, यही होता है पावर पॉइंट, पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पे पी एन टी और ओके कर देते हैं। यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है कि विंडोज कैनॉट फाइंड पावर, अब मैंने यहाँ पे पावर की स्पेलिंग गलत लिखी है, मेक श्योर योर टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे पी ओ
WERPNT, ये अब एंटर किया। देखिए ये अब हमारा ओपन हो गया, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक प्रेजेंटेशन, ये थीम अलग अलग थीम है, इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी जो थीम हमको पसंद है वो थीम यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया ब्लैक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी बाद में भी डिजाइन यहाँ पे मैं चुन सकता हूँ, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, या ये ले लिया, कुछ भी हम बाद में कभी भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ब्लैंक ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो होता है स्लाइड बार, इधर इधर का जो एरिया है उसको बोलते हैं स्लाइड बार, मैं ये बता रहा था। अब आगे हम पीपीटी को आगे बढ़ाते चलते हैं और जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। नया प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। तो फाइल मेनू में जाकर हम लोग, ये भी एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके कंट्रोल प्लस एन हम लोग जाकर वहां से भी प्रेजेंटेशन को खोल सकते हैं। जैसे मैंने ये खोला हुआ है, ये ऐसे ही खुलेगा और आवश्यकता अनुसार प्रेजेंटेशन को चुनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चुना था, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद लेआउट नाम की विंडो आती है जिसमें आवश्यकता अनुसार स्लाइड को चुनते हैं। ये वाला जैसे यहाँ पे देखिए, ये लेआउट है यहाँ पे, इसको लेकर हम लोग जो भी हम चुनना चाहते हैं ऐसे चुन सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने ये चुना टाइटल ओनली, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और या हमारा जो भी ये था ये ऐसे चुन दें, तो जो भी हम यहाँ पे टाइटल देंगे और यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अभी मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगा जैसे जैसे आगे मैं पढ़ते चलता हूँ। और इस स्लाइड में विभिन्न प्रकार के साउंड, पिक्चर, मूवी, टेक्स्ट आदि को इंसर्ट करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लगाकर प्रभावशाली प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ये बता रहा है कि हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के साउंड, पिक्चर और उसमें कंटेंट लिख के एक प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड हो सकती है, जरूर हो सकती है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपको ITI चक्र नगर में जितने ट्रेड्स हैं उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे ITI चक्र नगर, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले पेज पे, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि बड़ा सा ये रहे, ठीक है। अब स्लाइड को ऐड करना है तो यहाँ पे ये कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और न्यू स्लाइड, ये देखिए न्यू स्लाइड है, इस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे तीन स्लाइड होंगे, दूसरा स्लाइड हो गया। अब दूसरा स्लाइड में यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रेड इन्फो देते हैं, जैसे हमारे यहाँ फिटर है, फिटर के बाद हम कोपा है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद और भी बहुत सारे जितने सारे ट्रेड हैं ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर चाहे तो हम लोग यहाँ पे बगल में उसका हम लोग इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और पिक्चर जो भी होगा हमारे पास हम देखेंगे। जो मेरे पास अभी फिलहाल कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन ये मैं अभी ये पिक्चर मैं डाल दे रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास, अच्छा ये स्क्रीन शॉट है, मैंने ये मैं अपने डिपार्टमेंट से लाइव सेमिनार कर रहा था, तो उसका इमेज आप कोई भी ऐसे इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज को इंसर्ट करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन F5 का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक चीज और है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइड शो करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो उसका आंसर है F5, याद रखिएगा हमेशा F5, ठीक है, स्लाइड शो ऑप्शन। अब यहाँ पे स्लाइड शो कहाँ से आता है, यहाँ पे होम बटन पे जाएंगे और अब मैंने यहाँ पे दो स्लाइडें बनाई हैं। अगर मुझे ये शो करना है कैसे, तो ये जो यहाँ पे जो बटन देखिए, ये क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो देखिए ये हमारा शो होने लगा स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम जो एरो बटन है उसको क्लिक कर रहे हैं तो आगे जा रहा है, ठीक है, आगे भी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा डिजाइन ऐसे आ गया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये ऐसे आ गया। अब स्लाइड शो करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अब देखिए थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है। तो ऐसे ही हम लोग चुन सकते हैं कोई भी थीम,
या डिजाइन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टाइटल बार, अब देखिए ये बहुत आसान हो गया, अब आपको समझना है यहाँ पे टाइटल बार क्या होता है। यही होता है टाइटल बार, ये होता है टाइटल बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ऊपरी भाग होता है प्रेजेंटेशन वन लिखा होता है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन वन लिखा होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है, और वहां प्रेजेंटेशन वन लिखा होता है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन वन लिखा हुआ है। अगर जैसे हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो प्रेजेंटेशन वन के स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे सेव एज, और मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया हुआ है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ITI चक्रनगर के नाम से, ITI चक्रनगर 1 के नाम से मैंने सेव किया। ठीक है, क्योंकि ITI चक्रनगर के नाम से पहले से फाइल कोई है तो सेव मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ITI चक्रनगर 1। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो भी हम लोग सेव करते हैं उसका नाम टाइटल बार पे आता है। उसके बगल में यहाँ पे और लिखा हुआ, उसके बगल में तीन और बटन होते हैं, ये इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज बटन होता है। तो तीन बटन होते हैं टाइटल बार के राइट साइड। अब अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, रिबन। देखिए रिबन एमएस पावर पॉइंट विंडो का एक और भाग है, यह मेनू बार से नीचे होता है। इस पार्ट में दिखाई गई एमएस पावर पॉइंट विंडो में लाल रंग का हिस्सा ही रिबन है। ये बता रहा है कि ये हिस्सा जो है ये रिबन कहलाता है। ये जो जैसे डिजाइन है, देखिए ये सारे मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं उसमें, क्योंकि आप लोग को ये सारी चीजें मैंने पहले ही एमएस वर्ड में बता दिया है। ये जो चीजें होती हैं पूरी, ये क्या होता है, ये मेनू होता है। अब मेनू का ये भाग जो डिजाइन, ये रिबन है, इसका इंसर्ट है, ये भी एक रिबन है पूरा इसका, ये ठीक है। होम है, ये पूरा रिबन है इसके। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं मेनू बार। मेनू बार में ये है मेनू बार, ये वाला पूरा मेनू बार देख रहे हैं, ये मेनू बार। ठीक है, तो मेनू बार में कौन कौन से मोड भाग है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है। देखें यहाँ पे टाइटल बार के नीचे होती है, मेनू बार जो होती है टाइटल बार के नीचे, देखो ये टाइटल बार है, उसके नीचे क्या है, ये मेनू बार। ठीक है, और मेनू बार के जो पार्ट होते हैं, विकल्प होते हैं, वो क्या होता है, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, देखिए डिजाइन, ट्रांजिशन। अब इसके काम क्या है आप समझ गए होंगे, होम से क्या है, आप फॉर्मेटिंग करते हैं पूरा, ये एमएस वर्ड में आप लोग सीख चुके हैं, कट कॉपी, और यहाँ पे ये फॉन्ट साइज जो होता है बढ़ाना घटाना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। इंसर्ट में हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और डिजाइन में मैंने आपको बताया अभी करके कि आप इसमें थीम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन का काम क्या होता है, ट्रांजिशन में जो होता है हम लोग इफेक्ट डालते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, हम चाहते हैं कि जैसे पुश पे क्लिक किया तो ये नीचे से ऊपर को जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो इधर से आए तो इधर से आएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए अब मेरा स्लाइड कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ये, तो ये इफेक्ट डालने के लिए होता है, ट्रांजिशन और एनिमेशन जो टैब होते हैं वो इफेक्ट डालने के लिए होते हैं। ठीक, और अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें, कई बार पूछा जाता है मेनू बार से संबंधित जो ये चीजें हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेनू बार से संबंधित नहीं है, और इसमें से तीन ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन उल्टा सीधा दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनू बार के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगला जो है हमारा स्टेटस बार, आपको पता है स्टेटस बार ये होता है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटस बार एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया ये हमारा टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है ये दिस एरिया इज नोन एज टेक्स्ट एरिया, पूरा जो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जो भी पॉइंट देखे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, दिस इज टेक्स्ट एरिया। ठीक, स्टेटस बार तो इसके नीचे का जो ये होता है स्टेटस, ठीक है, अभी यहाँ पे ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, मैं एक साथ दो चीज, ये देखिए ये होता है स्टेटस, जहाँ पे लिखा हो इंग्लिश इंडिया, ये सब चीज होते हैं इसके स्टेटस। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सॉरी ये स्टेटस बार, जिसकी सहायता से पावर पॉइंट स्लाइड को जूम तो जूम इन तथा तो जूम आउट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे जो जूम, यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे देखो ये, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये जूम होगा। अब मैंने जो आपको बताया, देखिए कहाँ तक ये जूम हो सकता है,
इसको करते जाइए, देखिए 400% तक होगा ये, देखिए 400% तक यहाँ पे लिखा आ रहा है 400%, ठीक है, उससे ज्यादा जूम ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन करी, तो आप इसको लिख लीजिएगा, पूरी जितनी भी इसके स्लाइड्स हैं सबको समझ के लिख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, या व्हाट्सएप पे हमारे संपर्क कर सकते हैं कि सर मुझे ये स्लाइड नंबर, आप यहाँ पे नंबर दे स्लाइड नंबर, आप उस स्लाइड नंबर कि ये सर इसमें ये हमको समझ नहीं आया, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी चीज़ आपको दिया जा रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में, जिस दिन उस दिन ही उस कार्य को पूरा कर लें, और इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम चैप्टर्स को पढ़ के उसके क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस को जो हमारे एनसीबीटी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, आपके नोटबुक के जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज ये आप पूरा ये कर लेंगे जिससे कि हम कल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।